हिमाचल के जिला चंबा में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। बीएसएफ जवान ने अपनी ही मौत की कहानी लिख डाली, जिसको सुनकर हर कोई हैरान था। इस फौजी जवान ने अपने आप को जिंदा जलाए जाने जैसी घटना को अंजाम दिया और इस घृणित घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गया। हालांकि यह घटना इतनी आसान नहीं थी, बावजूद इसके इस फौजी जवान ने अपनी ही गाड़ी में किसी व्यक्ति के शव को लाकर उसको किसी फिल्मी स्टाइल में आग लगाकर खुद फरार हो गया। उज्जवल हिमाचल के लिए चंबा से शैलेश शर्मा की रिपोर्ट। 28 और 29 जून की मध्यरात्रि को जोर से चंबा की तरफ एक गाड़ी, जिसमें अमित राणा नाम का व्यक्ति जिसकी उम्र 32 साल थी और जो मूल रूप से नूरपुर का रहने वाला था और बीएसएफ में पोस्टेड था, उसकी गाड़ी जलने के कारण कथित रूप से मृत्यु हो गई थी। जब इस घटना की सूचना हमें मिली तो एडिशनल साहब ने, मैंने स्पॉट विज़िट किया, एफएसएल की टीम को भी हमने बुलाया, उन्होंने भी दोबारा स्पॉट विज़िट किया। जब घटनास्थल का हमने निरीक्षण किया तो हमें इस घटना में कुछ चीज़ें संदेहास्पद लगी, जैसे कि गाड़ी में जो डेड बॉडी के रिमेन्स थे वो हमें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिले, जिससे हमें थोड़ा संदेह हुआ। इसके अलावा गाड़ी जिस प्रकार से जली हुई थी, हर तरफ से प्रॉपरली गाड़ी जली हुई थी, जो अक्सर इस तरह की घटनाओं में कम देखने को मिलता है। इसके अलावा गाड़ी की जो नंबर प्लेट थी वो टूट के अलग सुरक्षित गिरी हुई थी, पूरी गाड़ी जल चुकी थी लेकिन नंबर प्लेट नहीं जली। और इसके अलावा जो व्यक्ति इस गाड़ी में कथित रूप से जला, उसका जो मूवमेंट था अपने घर से नूरपुर से चंबा की तरफ, उसको भी जब हमने ट्रैक किया तो हमें मूवमेंट संदिग्ध लगा। और व्यक्ति अपने घर नूरपुर से चंबा की तरफ कहकर चला था लगभग शाम को 4 बजे के करीब, और जब ये घटना हुई तो ये घटना जोध से चंबा की तरफ रात को 1-1.5 बजे के आसपास हुई। और इस बीच व्यक्ति कहाँ रहा, कहाँ गया, इस चीज़ को मिली के संदेह थे। हमने व्यक्ति का मूवमेंट ट्रैक करने के लिए नूरपुर से लेकर जोध तक सारे जो सीसीटीवी कैमरे थे उनका गहनता से अध्ययन किया, और नूरपुर भी हमने टीम भेजी, वहाँ भी परिजनों से बात की, इसके मित्रों से बात की और लोकल एरिया से ही फीडबैक लिया। और जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, हमें मामले में थोड़ा संदेह लग रहा था और इस वजह से हमने जाँच अपनी और तेज़ कर दी और व्यक्ति की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, उसके बैंक अकाउंट्स, हर तरह की जानकारी हमने एकत्रित की। और इसके साथ ही हमने ये भी कोशिश की कि जोध से चंबा की तरफ रात को जो बसेस चलती हैं उनसे भी हमने पूछताछ शुरू की। तो जब एक बस के ड्राइवर से हमने पूछा कि जिस दिन घटना हुई उस रात कोई व्यक्ति रात को 2 बजे के अराउंड या उसके आसपास बस में तो नहीं चढ़ा, तो हमें ये सूचना मिली कि एक लंबा सा व्यक्ति जिसकी हाइट 6 फीट के अराउंड है वो रात में उसने बस बोर्ड की। इस सूचना मिलने के बाद हमने चंबा बस स्टैंड पर हमने सीसीटीवी कैमरे को देखा, जहाँ पे ये व्यक्ति जो कथित रूप से 29 मई को गाड़ी में चल के मरा था, इसकी हमें फुटेज देखने को मिली, जिससे हम ये आश्वस्त हो गए कि व्यक्ति जीवित। इसके बाद हमारा दूसरा चैलेंज ये था कि हम ये पता लगाएं कि व्यक्ति है कहाँ। इसके लिए हमने ये जांच शुरू की कि व्यक्ति के करीबी लोग कौन हैं, इसके मित्र कौन हैं, इसका सबसे करीबी मित्र कौन है। तो एक मित्र का हमें इसका पता चला, जिसके बारे में हमने जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि एक पेशे से ट्रक ड्राइवर है और सदर्न स्टेट्स में जैसे कि कर्नाटका, तमिलनाडु और गुजरात की साइड ये ट्रक चलाता है। और उसी जांच को जब हमने आगे बढ़ाया तो हम इस बात का भी संदेह हुआ या शक हुआ कि हो ना हो ये जो व्यक्ति कथित रूप से मरा है गाड़ी में जलते, ये भी अपने मित्र के साथ ही है। और जब इस तरह की शंका में पैदा हुई तो हमने एक टीम, जिसको हमारे पीछे जो हेड कांस्टेबल बलविंदर हैं, प्रदीप हैं, इनके नेतृत्व में हमने एक बेंगलोर टीम भेजी। और हम उम्मीद ये कर रहे थे कि व्यक्ति जब बेंगलोर से निकलेगा तो हम इसको डिटेन कर पाएंगे, और उम्मीद के मुताबिक ही जब जो कथित रूप से व्यक्ति की मृत्यु हुई थी वो और उसका दोस्त एक ट्रक में बैठ के बेंगलोर से चेन्नई की तरफ जा रहे थे, तो हमने उनको इंटरसेप्ट किया, उनको रोका और ये व्यक्ति जो कथित रूप से 29 तारीख की रात को जल के मरा था, ये हमें उस ट्रक में मिला। इसके साथ ही इसको पकड़ने के बाद जब हमने इससे पूछताछ शुरू की कि ये इसने अपनी मृत्यु का ड्रामा या ये पूरा खेल क्यों रचा, तो इसने हमें ये बताया कि ये पिछले काफ़ी समय से फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में था, आर्थिक तंगी में था और इसने लगभग 40-45 लाख रुपए का लोन ले रखा था, जिस लोन को चुकाने की इसकी क्षमता नहीं थी और पैसा ये उड़ा चुका था।
न्यू कृष्णा एम्पोरियम कांगड़ा, यहाँ पर मिलेगा आपको होलसेल दामों पर खरीदारी करने का सुनहरा अवसर। फैंसी सूट, दुपट्टा, पार्टी वेयर ड्रेसेस, साड़ी, लहंगा, सूटिंग, शर्टिंग, ड्रेस मटेरियल और शादियों के लिए दाज एंड वरी के लेटेस्ट डिजाइन। तो देर ना करें, जल्द आए न्यू कृष्णा एम्पोरियम कॉलेज रोड कांगड़ा और रानीताल में दूसरे शोरूम शॉप नंबर 6 फर्स्ट फ्लोर नियर पेट्रोल पंप रानीताल।